बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बनाते हैं वेजिटेबल पकोड़ा। तो वेजिटेबल पकोड़े के लिए मैंने काट लिए हैं आलू लंबे साइज़ के, और इसके अलावा प्याज, पालक है मेरे पास, फ्रेश पालक नहीं थी, ये मैंने क्यूब्स वाली ली है। अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश डालें, और गोभी, अगर आपको गोभी पसंद नहीं तो आप गोभी ना डालें। तो इसके साथ मसाले, क्रश्ड चिलीज ले ली है, और एक टेबलस्पून नमक ले लिया है, या हसबे ज़रूरत आप जितना चाहे उतना लें। एक टेबलस्पून ज़ीरा और धनिया पाउडर, और दो से तीन हरी मिर्चें, क्योंकि हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा कड़वी हैं। अगर आपकी ज़्यादा कड़वी नहीं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और ले लेंगे बेसन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बैटर मिक्स करते हैं, मसाले डाल लेते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर डालूंगी एक चम्मच दही का भी। दही के साथ ये बड़े हस्ता बनेंगे, और ज़्यादा घी भी अब्जॉर्ब नहीं करेंगे, नरम बनेंगे। तो एक चम्मच सिर्फ दही का डालूंगी, एक चम्मच दही के साथ ये बड़े हस्ता और नरम बनेंगे। कुछ लोग अंडा डालते हैं, लेकिन मैं अंडा यूज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे इसके अंदर अंडा अच्छा नहीं लगता। अगर आपको अंडा अच्छा लगता है तो आप अंडा भी डाल लें। और डालते हैं बेसन, और इसको कर लेते हैं मिक्स। तो देखते हैं अगर इसमें बेसन ज़्यादा है कम है, अगर कम हुआ तो हम और थोड़ा डाल लेंगे। तो अभी बेसन मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है इसके अंदर, तो थोड़ा सा बेसन और डालूंगी, और अच्छे से इसको कर लूंगी मिक्स। तो देखें मसाला मैंने मिक्स कर लिया, और इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाला, क्योंकि अभी इसको थोड़ी देर के लिए रखूँगी, तो सब्जियों का अपना पानी भी होता है, तो ये ज़्यादा नरम हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सख्त किया है, अगर तलने के टाइम मुझे ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा और डाल लूँगी। तो चलिए फिर इनको तल जी। तो देखें ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर डालते हैं पकौड़े। हाथों से डालिएगा, क्योंकि अगर आप चम्मच से डालेंगे तो चम्मच से वो फिर अच्छे अच्छे नहीं डलते। हाथों से डालेंगे तो ये छोटे छोटे और बड़े अच्छे डलेंगे। देखिए तो देखें पकौड़ों का कितना अच्छा कलर आ रहा है, हल्के हल्के से ब्राउन होने शुरू हो चुके हैं पकौड़े। तो ये देखें, जब इनको आपने डालना है तो फ्लेम को फुल रखिएगा, तो उसके बाद जब ये हल्के हल्के होने शुरू हो जाए तो फ्लेम को आस्ता कर दीजिएगा। तो देख ले पकौड़े बड़े अच्छे से हो चुके हैं, इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। देखे तो देखें माशाल्लाह से पकोड़े कितने अच्छे बन गए हैं, बड़े क्रिस्पी और हस्ता हैं। इसके साथ मैंने इमली की चटनी भी बना ली है, और हरी चटनी भी बना ली है, और आप चाहे तो इसके अंदर दही भी डाल सकते हैं, इमली की चटनी के साथ खाएं। ये रमज़ान और मुबारक में आपको बहुत अच्छे लगेंगे। ये रमज़ान की स्पेशल डिश है, क्योंकि रमज़ान में हर घर में पकौड़े तो बनते ही हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, और दुआओं में भी ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह।